आदाब। आज देश बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। ऐसा हाल है न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई कार्रवाई और सीधे जेल। और शायद कलयुग का अमृतकाल इसी को कहते हैं कि आप बिना पूछे बिना कोई कार्रवाई किए हुए लोगों में जेल में डालते हो। ये मैं उमर खालिद की बात नहीं कर रही हूँ जो पिछले 2 साल से जेल में है। मैं सिद्दीक अपन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मोहम्मद जुबैर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके चुने हुए नुमाइंदों की बात कर रही हूँ जिनको आप लोग वोट डाल के एमएलए बनाते हैं, लोकसभा मेंबर बनाते हैं, चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, मिनिस्टर बनाते हैं। कैसे उनसे करप्शन के चार्जेस लगा के बिना कोई वकालत के बिना कोई कार्रवाई के जेल में डाला जाता है। हमारे लिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है। हमने जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल से यही देखा है। हमारे हजारों की तादाद में नौजवान, मैं, फारूक साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, पूर्व मुख्यमंत्री, तीनों को बंद कर दिया गया और देश को बताया गया कि हम देश हित में कर रहे हैं। जब आप संविधान का उल्लंघन करते हैं, जब आप कानून का उल्लंघन करते हैं, वो देशभक्ति नहीं देशद्रोही होता है। जो संविधान का उल्लंघन करेगा वो देशद्रोही है। आप